महिंद्रा का मतलब एटीट्यूड, महिंद्रा की थार का मतलब पर्सनालिटी, और महिंद्रा स्कॉर्पियो का मतलब पावर। महिंद्रा कंपनी की डिमांड इंडिया में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस वीडियो में हम महिंद्रा की पांच सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स के बारे में चर्चा करेंगे। महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में सबसे पहला नंबर जिसका आता है वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो। ऐसे तो भारत में बहुत सारी कार्स हैं, लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो का स्टेटस, स्कॉर्पियो का रुतबा अभी तक किसी भी कार ने बराबरी नहीं कर पाई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो को ज़्यादातर पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों के पास ही देखने को मिलता है। अगर आपके पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो है तो आपकी पर्सनैलिटी और आपके रुतबे को दिखाता है। और दूसरे नंबर पर जो महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है उसका नाम है महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो को ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों का राजा कहा जाता है। ये ज़्यादातर आपको गांव के एरियाज़ में देखने को मिलेंगे बोलेरो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ गांव की शादियों में आपको देखने को मिल। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किस कार के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा थार के बारे में। महिंद्रा थार मेनली ऑफ रोड और आर्मी में ज़्यादातर इस कार का इस्तेमाल होता है। ये कार आपको एक ऑरा प्रदान करती है, मतलब एक पर्सनालिटी, एटीट्यूड, आप जो कहना है, जो समझना है समझ लीजिए। और इस कार की सबसे बड़ी खासियत है कि इस कार में 4x4 पावर दिया गया है। और चौथे नंबर पर जो कार है वो है महिंद्रा SUV 700। इस कार में बैठने के बाद आपको एक्सीलेंट राइड कंफर्ट मिलता है, मतलब आप कितना भी ट्रैवल कर लीजिए आपको थकान उतना महसूस नहीं होगा। और इस कार के अंदर आपको ऑलमोस्ट जीरो केबिन नॉइज़, जिसे कहते हैं, मतलब कि एकदम साइलेंट, बाहर की तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कार में बैठे हैं, ऐसा लगेगा कि आप घर में ही हैं अपने शांति भरे जीवन में। ऐसी शानदार फीलिंग्स आपको बहुत ही कम गाड़ियों में मिलती है। और पाँचवें नंबर पर जो कार है वो है महिंद्रा SUV 400 EV। EV मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल। महिंद्रा अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर शिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने की ओर ध्यान दे रहा है, और ख़ास करके SUV सेक्शन में, जिसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ ट्रैवल कर सकें। तो ये एक महिंद्रा की सबसे बड़ी बात अभी हालिया दिनों में देखने को मिली है। तो हमने अभी इस वीडियो में पांच सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कार्स के बारे में महिंद्रा की चर्चा की है। और अगले वीडियोस में हम एक एक करके अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉप 5 कार्स, जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो, फिर बुलेरो, उसके बाद थार, उसके बाद SUV 700, उसके बाद महिंद्रा SUV 400 इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, समझेंगे कि क्या उनके फीचर्स है, क्या उनके डिज़ाइंस है, एरोडायनामिक्स क्या है, उनको कैसे बनाया गया, पूरी डिटेल जितना संभव एक वीडियो में हो सके बताने का, मैं बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। और हाँ, मैंने टाटा कंपनी के भी टॉप 5 कार्स का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस, व्हीकल से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करना है वो भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और उसके बाद अंततः आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।